Assalamu alaikum. Hi guys, this is SYEDAMINKHANTV here. I am presenting a real news which is a good for car lovers. Pakistan and Malaysia has been signed an agreement. According to news channel, Malaysia established a factory in Karachi. The factory will manufacture Proton vehicles. Initially, vehicles will be imported from Malaysia, and after that, which will be completely assembled later 2022 in this plant. So guys, jaisa ki aap jante hain ki Malaysia ke wazirazam Pakistan ke dore par hai aur unhone Pakistan ke sath kai muahide sign kiye hain, jinme ek muahida Karachi mein Malaysian gaadiyon ka ek plant establish hoga. और इसमें मलेशियन प्रोटोन गाड़ियां बनेगी. सो गाइस, दिस इज अ बिग न्यूज़ फॉर कार लवर. और ये जो बिग थ्री होंडा, सुजुकी और टोयोटा का राज है पाकिस्तानी मार्केट में, जिन्होंने पाकिस्तानी मार्केट को यरगमाल बनाए हुए, यानी कैप्चर किए हुए, ये एक माफिया बना हुआ है. अब इस बिग थ्री से इंशाल्लाह हमारी जान छूटने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही दो कंपनियां पाकिस्तान में एंट्री दे चुकी है, जिसमें एक यूनाइटेड ब्रेवो है और दूसरी प्रिंस पर्ल है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकॉन. I would like to whose supports provide me some special feedback and stay tuned. जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के दावत पर मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर है और उन्होंने कई माहदों पर दस्तखत किए. मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनमें से एक जो है ये प्रोटोन गाड़ियों का जो प्लांट है कराची में, इंशाल्लाह ये 2019 में इसका आगाज़ होगा और 2019 में ये जो है ये इंपोर्टेड गाड़ियाँ यहीं से कराची से आपको मिलेगी और 2022 में मुकम्मल मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ प्रोटोन आपको जो है पाकिस्तान में इंशाल्लाह मिलेगी. ये मलेशियन कंपनी पाकिस्तान में अलहाज मोटर्स के इश्तराक से अपनी गाड़ियां मुतारफ़ कराएगी. अलहाज मोटर पहले ही पाकिस्तान में जिनमें XPV V2 जो कि काफ़ी मकबूल कार है फा का, और इसके सेल में 2018 और 2019 में काफ़ी इजाफा हुआ है. और इसके अलावा फा जो है वो ट्रक्स भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है उन्होंने, और भी कई गाड़ियाँ, इसका वैन है वो भी काफ़ी मकबूल है. तो ये अलहाज कंपनी प्रोटोन को भी इंट्रोड्यूस करेगी पाकिस्तानी मार्केट में. और जो रूमर है, जो पहली गाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस होगी प्रोटोन कंपनी का, वो होगा प्रोटोन सागा, जो कि सुजुकी सियाज और ओंडा सिटी और करोला XLI की टक्कर की गाड़ी होगी, लेकिन प्राइस में उससे बहुत ही कम होगी. और दूसरी गाड़ी जो है जिसका तवक्को है, जो एक्सपेक्टेड हो है, वो होगी एक MPV गाड़ी फा के तरफ, इसके प्रोटोन की तरफ से. तो ये गाड़ी इंशाल्लाह आपको 2019 के लास्ट में जो है ये गाड़ी आपको इंशाल्लाह मिलेगी. और ये कंपनी प्रोटोन कंपनी दुनिया की मशहूर कंपनियों में से एक कंपनी है. ये मलेशियन कंपनी अब तक दुनिया भर में 30 लाख गाड़ियां फरोख्त कर चुकी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड, श्रीलंका वगैरह, दुनिया के कई ममालिक में ये अपने जो है 30 लाख यूनिट अब तक प्रोटोन कंपनी जो है वो फरोख्त कर चुकी है.
तो ये एक मशहूर कंपनी है और ये जो है काफ़ी टफ टाइम देगी पाकिस्तान के जो ये जो थ्री बिग्स जो माफिया बनी हुई है टोयोटा होंडा और सुजुकी, इसको ये काफ़ी टफ टाइम देगी जिससे गाड़ियों की कीमत में काफ़ी कमी वाकई होगी और लोगों का स्पेशली इनसार जो सिर्फ इन तीन कंपनियों पर था वो अब नहीं रहेगा। प्रोटोन कंपनी अगर पाकिस्तान में जिस तरह के मुआहदा हुआ है और तवक्को हमें इंशाल्लाह 100% है, अगर ये पाकिस्तान में अपना प्लांट कराची में लगाते हैं तो ये मैं आपको वादे कर दूं कि ये इनका साउथ एशिया में पहला प्लांट होगा। मतलब पूरे साउथ एशिया में इनका कहीं भी कोई प्लांट नहीं है, ये पाकिस्तान को ये एजाज़ इंशाल्लाह हासिल होगा कि इनका जो प्लांट होगा वो पाकिस्तान कराची में 2022 में मुकम्मल कंप्लीट होगा और ये प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा। इस तरह तो हुंडई जो है वो भी अपनी गाड़ियां बेच रही है लेकिन वो जो है जिस तरह के इनका सांता फे है वगैरह वो बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी है और भी कई गाड़ियाँ होंगी जो गवर्नमेंट इनको खसूसी पैकेज दे रही है। तो शुरू शुरू में तो इस कंपनी को भी प्रोटोन को भी इस तरह पैकेजेस मिलेंगी और ये 2019 तक अपनी गाड़ियां जो है वो स्पेशल जो मुआहदा होता है उसके थ्रू से ये इंपोर्टेड गाड़ियां बेचेगी, बाद में ये अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। लिहाजा दोस्तों अब मैं यहां पर करता हूं अख्तिताम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।